नमस्कार साथियों, हमारे ऑनलाइन चैनल में आपका पुनः स्वागत है। हम आपको सभी प्रकार की जानकारी अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाते हैं, जिसमें वैकेंसी, ऑनलाइन एजुकेशन और मोटिवेशनल आदि चीज़ें आपको ऑनलाइन ही हमारे चैनल पर मिल जाती हैं। हम कोशिश करते हैं कि अच्छी वीडियोस हमारे चैनल पर डाल करके आपको प्रोवाइड करवाएं। कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक चीज़ों से हम जुड़ें और उसी श्रृंखला में हम वैकेंसियों की जानकारी भी, डिटेल्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम देखते हैं न्यू वैकेंसी। एमपी के अंतर्गत कुछ न्यू वैकेंसियाँ निकली हैं, जिसमें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा ही आयोजित किया जा रहा है, और उसमें जो निकली हैं वो है समूह एक और उप समूह तीन के अंतर्गत खंड विस्तारक अधिकारी, सांख्यिकी अधिकारी, प्रबंधक, सामाजिक कार्यकर्ता व अन्य सक्षम रिक्त पदों की पूर्ति के लिए निकली है, जिसकी प्रारंभिक तिथि 27/9/17 है, जो स्टार्ट हो चुका है, और अंतिम तिथि जो है कि 11/10/17 है। तो इसमें समय कम मिला है, तो आप इसे ध्यान रखें। 11 तारीख इसकी लास्ट डेट है, यानी 11 के पहले ही यदि आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर दीजिए। इसके बाद इसमें कोई संशोधन होता रहता है, कोई गलती हो जाती है आपके ऑनलाइन फॉर्म में, तो उसकी तिथि 16/10/17 है। परीक्षा शुल्क इसका है अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए ₹500 प्लस ₹70 पोर्टल चार्जेस। SC/ST और OBC और साथ ही साथ विकलांग के लिए ₹250 प्लस ₹70 पोर्टल चार्जेस। इसका परीक्षा दिनांक 5 और 6 नवंबर 2017 में ये आयोजित होना है, और इनका समय भी यहाँ पर दे रखा है। प्रथम पाली जो हुई पेपर की वो 8:30 से, यानी ऐसे समय रिपोर्टिंग समय जो है 7:30 है, 7:30, और निर्देश पढ़ने के लिए 10 मिनट इसमें मिलेंगे, और पेपर का जो समय स्टार्ट होगा वो 9 से तो 12 बजे तक का रहेगा, 3 घंटे का। इसी प्रकार दूसरा जो पेपर रहे द्वितीय, वो 2 से 5 बजे तक रहेगा, और उसमें रिपोर्टिंग टाइम 12:30 से है। तो ये तो आवश्यक जानकारियां हैं। इसके अलावा अन्य और भी जानकारियां, जैसे योग्यता की बात करें तो वो भी हम आगे देख लेते हैं। ये इसका पेपर का शेड्यूल दे रखा है, क्या क्या इसमें आएगा। तो सामान्य विज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, द्वितीय पेपर के अंतर्गत सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन, ये इसका सिलेबस रहेगा। इसके बाद इसमें जो मांगा है वो समूह एक और तीन अलग अलग उसमें इसमें वैकेंसी के लिए फॉर्म डालना है, तो इसमें हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी प्लस स्नातकोत्तर तक का इसमें मांगा है। जैसे समूह एक में स्नातकोत्तर मांगा है और समूह तीन में हायर सेकेंडरी इसमें दे रखा है, तो उसके मापदंड डिटेल में दे रखे हैं जो होना चाहिए। यानी इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ पोस्ट भी है, तो वहाँ पर कंप्यूटर होना ज़रूरी है। साथ ही साथ अन्य जानकारी भी इसमें दे रखी है, हम वो भी देख लेते हैं। आयु सीमा 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष है, और जिनको छूट मिलना है वो SC/ST और OBC के लिए, वो भी दे रखी है, 45 वर्ष इसमें है, है ना। अन्य महिलाओं वो भी आपको डिटेल ये देखना होगा, जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं। हम स्क्रीन को रोक देते हैं थोड़ा सा, तो इसमें आप पुश करके और स्क्रीन को पढ़ सकते हैं, पूरी डिटेल यहाँ पर आप पढ़ पाएंगे। जहाँ पर भी आपको कोई भी डिटेल इसमें चाहिए
तो उसे आप स्क्रीन को रोक करके उन चीज़ों को, मापदंडों को आप पढ़ सकते हैं। आरक्षण किन किन के लिए क्या क्या प्रतिशत है। अनुसूचित जाति के लिए 20% है, अनुसूचित सॉरी जनजाति के 20% है, जाति के लिए 16% है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14% है। क्षेत्रीय आरक्षण भी इसमें दे रखे हैं। यात्रा भत्ता वगैरह भी इसमें मिलना है। परीक्षा केंद्र का भी डिटेल इसमें दे रखा है। शारीरिक स्थिति भी रखी है। हम पूरी स्क्रीन को धीरे धीरे लेते जाते हैं। ये पोस्ट दे रखी है, अच्छी पोस्ट है इसमें। अध्याय दो के अंतर्गत, एक के अंतर्गत भी है। ये डिटेल इसमें दे रखा है। संचालन महिला सशक्तिकरण में कितने दे रखे हैं। टोटल 192 पद इसमें हैं, 192। और सीधी भर्ती हेतु पदवार भी दे रखे हैं। तो जो सीधी भर्ती के इसमें आते हैं वो स्क्रीन को रोक करके इसकी डिटेल पूरा देख सकते हैं। तो साथियों, काफ़ी इसमें पोस्ट है, आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं इसके लिए। लेकिन इसमें विशेष ध्यान रखें कि आप अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें, उसके पहले ही आप फॉर्म सबमिट कर दें। आप ऑनलाइन भी फॉर्म फिल कर पाएंगे। ऑनलाइन के लिए आप MP ऑनलाइन पर जाकर के वहाँ पर PB को सिलेक्ट करके, आवेदन के अंतर्गत PB को सिलेक्ट करें और यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ये भी हम देख लेते हैं कैसे होना है। तो ये व्यापम मैंने खोल रखा है, इसके अंतर्गत आवेदन को क्लिक करें और आवेदन के अंतर्गत PB को क्लिक करें। ये PB दे रखा है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसे आप क्लिक करें। और जो सुजालपुर क्षेत्र से आसपास में रहने वाले हैं और ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारे संस्थान पर आकर के और यहाँ पर डायरेक्टली भी आप फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। ये व्यापम की साइड यहाँ पर pb.mponline खुल गया है, इसके अंतर्गत ये आवेदन यहाँ पर दे रखा है। आवेदन को क्लिक करें और यहाँ से आप ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। व्यापम के फॉर्म कैसे सबमिट किए जाए, इसके भी हमने पहले वीडियो बनाए हैं जिसमें पूरा डिटेल हमने समझाया कि किस प्रकार आप घर बैठे ही ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। यदि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी आपको चाहिए वीडियो संबंधित, तो उनके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर इसे शेयर करें ताकि अधिक से अधिक युवाओं को, जो भी अभ्यर्थी हैं, जो भी इसके लिए फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, उन तक ये जानकारी पहुँच पाए। धन्यवाद।